वेलकम बैक माई चैनल एंड आई एम रुचि। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो रेमेडी है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने सफेद बालों के लिए एक ऐसी, मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो और सारी रेमेडी आपकी काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इनसे परे यानी कि इनसे ऊपर उठ के ये काम करेगी। क्योंकि आज हम इसमें एक ऐसे इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हेयर के लिए काम करते हैं, यानी कि ग्रे ग्रेइंग हेयर के लिए। और वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप खा भी सकते हैं एंड अपने हेयर में लगा भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आंवला की बात कर रही हूँ। सो नहीं गाइस, मैं यहाँ पे आंवला की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी और चीज की। तो वो क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी सारा चीज। और ये जो रेमेडी है, अगर आपने इसको बना के लगा लिया, इस रेमेडी को आप अपने ऑयलिंग किए हुए बालों पे लगा सकते हैं, चाहे साफ सुथरे बालों पे लगा सकते हैं, कैसे भी लगाएंगे, आपकी प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा ही करेगा, क्योंकि ये उसी के लिए होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना, वीडियो को जल्दी से। और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ली है लोहे की कढ़ाई यानी कि आयरन वेसल। और इसमें आपको आयरन की, अगर आपके पास आयरन है तो बहुत अच्छा, आप आयरन इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तो आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं यहाँ पे। सो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है आंवला। सो मैं यहाँ पे ड्राई आंवला यूज कर रही हूँ, जितनी भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ वो ड्राई है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ड्राई आंवला हम इतना ले लेंगे, इसके बीज को हम निकाल लेंगे, यहाँ पे सीड्स जो है वो हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। सो करीब हाँ, छोटी वाली कटोरी जो है, आप समझ लीजिए जो छोटी सी छोटी बाउल होती है, वो भर के इसे लिया है। सो मेजरमेंट बता दूं कि ये वाला जो बाउल है उसको फुल नहीं लेना है, आधा लेना है। सो आधा आधा बाउल आपको ये सारी चीजें डालनी है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया आंवला। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है शीकाकाई। सो शीकाकाई भी आप पंसारी शॉप पे आपको इजिली मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे चार जो इसके ये होते हैं कतरे, ये ले करके इसको ऐसे डाल सकती हैं। आप चाहें इसको तोड़ भी सकते हैं या फिर आप इसको खड़ा खड़ा भी ऐसे डाल सकते हैं, कैसे भी आप इसको डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या लेना है, इसके बाद आपको लेना है वो इम्पोर्टेंट चीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सो गाइज मैं इसकी बात कर रही हूँ, आपको ये लेना है। और मेरे पास रॉ खड़ा है और पाउडर भी है, लेकिन जो रॉ होता है यानी कि जो ओरिजिनल जो काम करता है पाउडर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर पंसारी की शॉप में ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है तो आप वहां से लीजिए, अदरवाइज मार्केट से इसे पाउडर फॉर्म में मत लीजिए, क्योंकि इसमें जरूर नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज मिक्स हो। हो सकता है उसमें कोई और भी चीज मिक्स करके बनाई गई हो। सो वो जरूर नहीं है कि 100% वो प्योर हो। सो अगर रॉ लेते हैं तो रॉ को भी इस तरीके से आप भून करके इसको पीस करके ग्राइंड करके अच्छे से रेडी कर सकते हैं। अदरवाइज पंसारी की शॉप में आप इसको पाउडर भी मिल जाएगा और आपको रॉ भी मिल जाएगा। तो बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों तरह से रखिए, यानी कि आप रॉ भी यानी कि ड्राई खड़ा भी रखिए, साबुत रखिए अपने घर में, और साथ ही साथ आप पाउडर भी रखिए सेम ही जगह से लेकर के। सो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या मिक्स किया है और ये क्या है। बहुत सारे लोग जो जानते होंगे, वो जो आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो उनको पता होगा कि ये क्या है, और जिनको नहीं पता उनको मैं आगे बताऊंगी। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे डालना है 1 ग्लास के लगभग पानी। गैस को अभी मैंने ऑन नहीं किया है, मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी। अब पानी के साथ हमें इन तीनों चीजों को अच्छे से बॉयल करना है, यानी कि पकाना है। जितना अच्छे से आप बॉयल कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छे से बॉयल कीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसे बहुत अच्छे से बॉयल करेंगे तभी इसका बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और एकदम इसको फ्लेम हाई रखा है ताकि अच्छे से पहले बॉइलिंग हो। 2 से 3 बार हम अच्छे से बॉइलिंग करने के बाद गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम कर देना है। सो गाइज जैसे कि आप सभी देख रहे हैं ये अच्छे से बॉयल हो रहा है, तो अभी इसे बॉयल होने ही देना है। 3 बार इसे अच्छे से बॉयल करना है, उसके बाद अनदर इसमें और भी इंग्रेडिएंट जो है
जो कि इसके साथ बहुत अच्छा वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो आपको ऐड करना है। एंड अगर आपको पीछे से चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में है पक्षी और पक्षी तो भाई चुप नहीं रह सकते ना, वो तो बोलेंगे ही। सो उसको अवॉइड कीजिएगा। वैसे इनका बोलना इतना ख़राब भी नहीं लगता है, तो आप सुन भी सकते हैं। सो अच्छे से हम यहाँ पे हमें इनको बॉयल कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गैस के फ्लेम को हाई ही कर रखा है, और इस वजह से बॉइलिंग लगातार हो रही है, यानी कि आ रही है। तो 3-4 बार आपको अच्छे से बॉयल करने के बाद इसमें आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। सो यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम करते हैं लो, क्योंकि बॉयलिंग हो गई है। अब हमें इसमें अनदर चीज़ें मिक्स करनी है। सो गैस के फ्लेम को मैंने कर दिया यहाँ पे बिल्कुल लो। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुड़हल की पत्तियाँ, यानी कि गुड़हल के फूल की पत्तियाँ आपको ऐड करनी है। तो आपको यहाँ पे वो भी ड्राई ही इस्तेमाल करना है, ताजी गुड़हल की पत्तियाँ इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ताजी गुड़हल की पत्तियाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ये कलर है वो रेड हो जाएगा, यानी कि बरगंडी कलर या रेड कलर ऐसा डार्क हो जाएगा, मैरूनिश कलर हो जाएगा। सो हमको यहाँ पे ड्राई इस्तेमाल करनी है। सो गाइज, इतनी पत्तियां आपको लेनी है ड्राई गुड़हल की, और इसको भी ऐसे आपको डाल लेना है, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है 1 चम्मच के करीब कलौंजी। सो 1 चम्मच के करीब कलौंजी डालेंगे, अगर कलौंजी हो तो वो डालिए, वरना कलौंजी पाउडर डालिए। उसके बाद आपको ऐड करना है 1 चम्मच के करीब आपको चाय पत्ती पाउडर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, या फिर चाय पत्ती इस्तेमाल करनी है। सो गाइज, यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी मैंने। अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को आपको अगेन हाई करना है, और इसमें आधा ग्लास पानी मैंने और बढ़ा दिया था बाद में, तो आपको भी ऐसे करना है। पहले आपको 1 ग्लास डालना है, उसके बाद आधा ग्लास आपको बढ़ा देना। अब क्या करना है आपको, इस जो ये मैंने डाला है यहाँ पे, ये डाला है। सो मैं आप बताती हूँ आपको ये क्या है। इसे कहते हैं अश्वगंधा, इसका पाउडर भी आता है और इसको रॉ भी लिया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों के लिए किया जाता है, चाहे आपकी साइटिका की बीमारी हो, या फिर आपके घुटनों में दर्द हो, या फिर आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है इसका। इसके अलावा ये बालों को सफ़ेद से काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, क्योंकि इसमें एक हमारे जो प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग में से वापस से काला कलर लाने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें इस अश्वगंधा में पाई जाती हैं, जिस वजह से ये बालों को सफ़ेद से काला बहुत जल्दी बनाता है। और ये जो काम करता है वो नेचुरल तरीके से काम करता है, यानी कि आपके बालों में लॉन्ग स्टे, यानी कि लंबे समय तक के लिए काला रखने के लिए, चमक बढ़ाए रखने के लिए, बालों की मजबूती के लिए अच्छे से पोषण देता है। स्कैल्प के अंदर, यानी कि रूट्स के, बालों की जड़ों के अंदर जाकर के ये आपके प्री मेच्योर हेयर ग्रेन की, यानी कि सफेदी को पूरी तरह से निकाल देता है। सो आपको इस तरीके से इसे बॉयल करना है अच्छे से। यहाँ पे गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। चूंकि हम आयरन की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इसमें आंवला भी मिक्स है, और इसमें सारी चीज़ें ऐसी मिक्स हैं जो कि इस पानी को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से बॉयल करने के बाद आपको स्ट्रेन कर लें, यानी कि पानी अलग निकाल लेना, बाकी चीज़ें अलग, और बाकी चीज़ों को आप अगेन दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं, आप इसको पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं बालों में, या फिर आप अगेन दोबारा इस तरह का पानी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए लगभग हो गया है, हमारा पानी भी रिड्यूस हो गया है, और ये हमारा पक भी गया अच्छे से। सो आपको क्या करना है, अब इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, एंड इसमें हम डालेंगे मेहंदी। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, यानी कि पानी अलग कर दिया है, बाकी मटेरियल अलग कर दिया। अब आपको इसमें इस्तेमाल करना है मेहंदी। सो मैं यहाँ पे ब्लैक मेहंदी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल मेहंदी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आप लोग अपने हेयर में लगाते हैं, यानी कि लाम या फिर नुपुर या फिर नेहा, कोई भी मेहंदी आप जो इस्तेमाल करते हो वो लगाएं। सो मैं यहाँ पे नुपुर इस्तेमाल करती हूँ। सो मैं नुपुर मेहंदी इस्तेमाल
करूंगी वही डालूंगी। और बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि कितना भी मेहंदी आप डालो या लगा लो कर लो तो बाल लाल होते, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके बाल यहाँ पे काले होंगे, लाल बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डाल देते हैं नुपुर मेहंदी, तो यहाँ पे मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग नुपुर मेहंदी का इस्तेमाल करी हूँ। आपकी जितनी लेंथ हो हेयर की उसके अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर बच जाती है तो आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ सकते हैं अगेन लगाने के लिए। सो गाइस चलिए इसमें मेहंदी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ली, 2 चम्मच। पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसका लम्स ना बन पाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी गुठलियाँ बन जाती है, जो कि बालों में अप्लाई करते समय सही से लगती नहीं है। तो इसलिए इसको आपको क्या करना है, तुरंत ही इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। सो 1 चम्मच और मैं इसमें ऐड करूंगी, तो पूरे 3 चम्मच मैंने इसमें मेहंदी ऐड की, नूपुर की मेहंदी। एंड इसके बाद हमें इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो भी अच्छी हो जाए, और साथ ही साथ जो हमने इसमें जो जिस चीज़ का पानी ऐड किया हुआ है उसके साथ मेहंदी का मिक्स होना पूरी तरह से ज़्यादा वर्क करता है। सो जो मेहंदी हमने इसमें डाली है वो भी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस उसके बाद आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है, बबल्स हो रहे हैं क्योंकि गैस अभी ऑन है। सो आपको क्या करना है, आपको गैस के फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देना है। सो मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब आपको इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसे गर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। गर्म तो वैसे भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, आप सबको अच्छे से ही पता ही है। सो इसको बस इस तरीके से आपको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, एंड ठंडा हो जाए उसके बाद इसे अप्लाई करना है अपने बालों में। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं पहले ठंडा होने के लिए। आफ्टर इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इसे किसी भी ब्रश से अप्लाई करना है, हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, हाथ से इस्तेमाल करें तो आप कोई भी रैपर या पन्नी वगैरह, आप पॉलिथिन वगैरह अपने हाथों में लगा करके उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए। इसे वॉश करने का जो एक मेजरमेंट है, मतलब एक जो टाइम है वो है आपका 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे आपको इसे छोड़ना है, क्योंकि अश्वगंधा मिक्स किया है इसमें, अश्वगंधा का पानी इसमें है। अश्वगंधा जब बालों में ज़्यादा समय तक रहती है तभी ये लॉन्ग स्टे करती है, यानी कि आपको इस पैक को लगा के 3 घंटे के लिए छोड़ना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है, रात में आपको ऑयलिंग करनी है, नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लेना है। इस तरीके से ये करना है आपको, 1 घंटे, 1.5 घंटे या आधे घंटे में से नहीं छोड़ना है, नहीं वॉश करना है, पूरे 3 घंटे इसको सूखने देना है। कोशिश कीजिएगा कि सारे काम करके उसके बाद इस पैक को लगाइए, ताकि आप मतलब फैन में बैठ के रहिएगा, यानी कि इसको सुखाने के लिए। आपको ऐसा नहीं कि आप काम कर रही हैं और उसमें पसीने आपके आ रहे हैं, तो पसीने आने से क्या होगा, बाल हमारे गीले रहते हैं, सूखते नहीं है। सो इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से सुखा करके उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। इस प्रोसेस को, यानी इस स्टेप को, जो इस रेमेडी है उसको आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए। सो आप कोई भी डे अपना अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जिस टाइम आप फ्री हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर कीजिएगा उन जगहों पे जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रखते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप में, एंड ताकि और लोग इसके बेनिफिट ले सकें और इसके बारे में जान सकें कि अश्वगंधा क्या है और किस तरीके से काम करता है। सो चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे।